हाय गाइस, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। और ऑल यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। चलिए आज की रूटीन आपको दिखाते हैं, सुबह की मॉर्निंग आपकी, फिर उसके बाद में मॉर्निंग में आज मैंने क्या बनाया है। आज संडे है और वो सब दिखाती हूँ, क्योंकि 22 ओवर करके मैं दिखाऊंगी, क्योंकि उधर पंखा चल रहा है, इधर मैं दूसरे रूम में हूँ। चलो चलिए आप लोग। इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग देती हूँ। दुआ में याद रखना, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना। ठीक है, बाय बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ये मॉर्निंग में ये दूसरा ब्लॉग बन रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को मेरे घर में दिवाली की क्या क्या तैयारियाँ हो रही है वो मैं आपको सब दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये किचन में अपनी साफ सफाई चल रही है, क्लीनिंग चल रही है। ये देखो, आपको दिखाती हूँ, आज मैं ये दोनों डोर साफ करूँगी, क्योंकि दिवाली का सिर्फ 1 मंथ बचा है, जिसमें नवरात्रि भी आई है, ये मैंने आपको दिखाई दिया था, है ना। उसके बाद में फ्रिज का भी दिखा दिया था। फ्रिज तो 8-10 दिन में होती है, अभी पूरा आपको पसारा दिखेगा मेरा। ये देखो, ये खा रही हूँ जो किचन का मटेरियल, ये देखो, ये 8-10 दिन में इस तरह की कंडीशन होती है। ये माइंड मत करना, ये सीमेंट घिसी नहीं थी इन लोगों ने, इस कारण देख लो ये सब आज सफ़ेद हुई है इनकी। 1 महीने ये 15 दिन में इस तरह की कंडीशन अपने अपने ग्रस्त जीवन में होना जरूरी है। दिवाली पे भी हो जाती है और हर मंथ तो चलती है, पर दिवाली का कुछ ज़्यादा ही जोश रहता है। ऐसा लगता है ये भी कर लो, वो भी कर लो, फिर थक भी जाओ। ब्लॉग में बने रहना, आगे ब्लॉग कंटिन्यू चलेगा, देखते रहना और हमें लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना। आज मैंने ये सूट वेयर किया, मैं बोलती हूँ मेरे 2-3 सेट सूट सेट नहीं सूट सेट नहीं, कोई किचन सेट नहीं भाई, सूट मेरे चलते हैं, सिर्फ 2-3 ही चलते रेगुलर में। बाकी मैं साड़ी पहनती हूँ। चलो बने रहना ब्लॉग में, आगे आगे देखते रहना हम क्या क्या करते हैं, क्लीनिंग कैसे करते हैं। चलो ठीक है, आप लोग पेमेंट नहीं देते, हमने तो कैमरा मैन भी रख दी हमारा ब्लॉग बनाने के लिए। आप लोग पैसे नहीं देते हो तो हम क्या कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम मोबाइल खुद ही पकड़ के वीडियो बनाते हैं। ठीक है, बने रहना ब्लॉग में, आगे आगे देखते रहना। हमारे पति थे उठाटी बना रहे, ये देखो वो खड़े, वो बाहर दिख रहे हैं आपको, वो उनकी दाढ़ी बन रही है। मेरा हाथ आ गया ऐसा। अभी हमारे हस्बैंड स्नान करने गए, ये देखो ये बर्तन में मस्ती जा रही है हाथ के साथ। अब मेरे पास में मेरे बर्तन की जगह नहीं है, ये आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आज केन पानी के यहाँ रखा था, इसलिए ज़्यादा हो गई है। यहाँ केन रखा थी, केन अभी बाहर रखी हुई है। रखी केन, अभी केन वाल पर आया ही है। ये रखी, ये दिख रही है आपको, अभी केन पानी किसकी वजह से मैं मोबाइल रखती है। बर्तन साफ करने केन आ गई है, ये देखो साफ हो गया। ये इसमें रेती निकलती है, रेती रेती पूरा साफ कर दिया है, जैसे ये साफ होएगा। इतना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, पूरा बर्तन क्लीन कर दिया।
सूख जाएंगे, उसके बाद में ये सब सारे जमाऊंगी डब्बा डब्बी, क्योंकि ये सूख रहा है। गीले गीले में जमा दूँ ना तो फिर स्मेल आती है, और फिर मैं दवाई भी डालती जा रही हूँ, कॉकरोच बहुत हो जाती है। तो सूखने के बाद पूरी दवाई डालूंगी, देखो थोड़ी थोड़ी सी दवाई डालती हूँ, ये देखो, क्योंकि बात ये है कि बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। फिर अभी फिर भी साफ किया तो अच्छा लग रहा है, माती उसके बाद बताती आप लोगों को। ना हमारा ठंडा इलाका है ना, बात ये गर्मी तो होती है परंतु झाड़ों वगैरह पेड़ पौधे ज़्यादा रहते ना, इसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा रहती है, जैसे चींटियाँ ठंडा देख के आ जाती है। अब इन लोगों को तो ठंडा लगता। अच्छा, काकरोच पहले नहीं थे मेरे यहाँ, उस घर में थे पुराने वाले में, इसमें नहीं थे। अभी ये थोड़े 6 महीने से बहुत हो गए। चलो ब्लॉग में बने रहना, आगे आगे हमारे घर की परेशानी भी बताएंगे, अच्छाई भी बताएंगे आप लोगों को। पर आप लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। उन्हें इतनी गीली हो गई सब बर्तन मस मस के पूरी मेरी अस्थी में, ये देखो ये पूरी कुर्ती अभी गीली हो गई, ऐसा है पूरे सारे जम गए। और उसके बाद में ये इधर भी पूरे जम गए मेरे डब्बे में, अच्छे से पूरा साफ हो गया है, ये देखो ये पूरा साफ हो गया। अब उसके बाद में ये ऊपर का होएगा ना, उसके बाद ये वाला सीका करूँगी साफ। और इसी क्लीनिंग के साथ में वीडियो की एंडिंग देती हूँ। दुआ में याद रखना, अच्छी अच्छी बेसिन देना। मेरी क्लीनिंग कैसी लगी आप लोगों को, जितना भी हो सका मैंने दिखाया आप लोगों को, है ना। बाकी अब बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम हो गई है मुझे, कम से कम 2-2.5 घंटे लगे। चलो ब्लॉग की एंडिंग देती हूँ। दुआ में याद रखना, अच्छी अच्छी भी। आज सावर लिया था और ये हेयर भी शैम्पू किया थी, ऐसे हो रही है। चलो बाय बाय, दुआ में याद रखना।